द ऑनलाइन स्टडी क्लासेज पर एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जो हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है, आइए उसका अगला भाग शुरू करते हैं। लगभग 400 प्रश्नों की सीरीज चल रही है। यह KVS या UP TGT RTET या फिर BU का जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, उन सभी एग्ज़ाम की दृष्टियों से यह सीरीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। पॉलिटी की इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं पॉलिटी की अपनी क्लास। 88वां प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किया गया है, इसका प्रयोजन है। मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किया गया है, इसका क्या प्रयोजन या क्या उद्देश्य है? पहला है मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक। पहला, मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक। मौलिक अधिकारों को और अधिक सार्थक बनाना, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रित करना। तो इसका आंसर होगा विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आलेखों में से कौन सा आलेख गलत नज़रबंदी के मामले में जारी किया जाता है? यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न बार बार पूछता है कि गलत नज़रबंदी के मामले में कौन सा आलेख जारी किया जाता है, परमादेश, निषेध, अधिकार परीक्षा या बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो गलत नज़रबंदी के मामले में जो आलेख जारी किया जाता है वह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है, उदारवाद का प्रतिवाद है नव उदारवाद, गांधीवाद, समाजवाद या आदर्शवाद? तो उदारवाद का प्रतिवाद है समाजवाद। उदारवाद का प्रतिवाद समाजवाद है। संविधान के अगला प्रश्न है, संविधान के मूल कर्तव्य का प्रावधान किस संशोधन में वर्णित किया गया है? संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान किस संशोधन में वर्णित किया गया है? 44वें संशोधन, 42वें संशोधन, 52वें, 91वें, लेकिन 42वें संशोधन में संविधान के मूल कर्तव्य का प्रावधान वर्णित किया गया है। किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है? जो मूल कर्तव्य को भारत के संविधान में 42वें संविधान से जोड़ा गया है, वह किसकी अनुशंसा पर जोड़ा गया है? संथानम रिपोर्ट पर, स्वर्ण सिंह रिपोर्ट पर, अशोक मेहता, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है स्वर्ण सिंह रिपोर्ट पर। इनमें से कौन राजकीय भाषा नहीं है? कश्मीरी, संस्कृत, मैथिली और राजस्थानी। तो इसमें राजस्थानी राजकीय भाषा नहीं है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक मिलती है किसमें? प्रस्तावना में, मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में, स्वतंत्र न्यायपालिका में। तो भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक मिलती है प्रस्तावना में, भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग क्या है? जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम एवं ग्राम पंचायत। तो पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व को लिया गया है? भारतीय संविधान में कहाँ से नीति निदेशक तत्व को लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, आयरलैंड के संविधान से और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो भारतीय संविधान में नीति निर्देश तत्व को लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। अगला प्रश्न है, सुमेल करना है दोनों को, संविधान के मत में और जिस देश से लिया गया है वो। तो जैसे देखिए यहाँ पे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। मूलभूत अधिकार किससे लिया गया है? नीचे दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो मूलभूत अधिकार जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। फिर उसके बाद से संघ राज्यों के संबंध के बीच समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची किससे लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से, सी का वन होगा। उसके बाद अगला है, राज्य संघ के रूप में भारतवर्ष जिसमें संघ की सर्वोच्च शक्ति निहित है, यह किससे लिया गया है? तो यह कनाडा से लिया गया है। देखिए यहाँ पे दिया है कनाडा से लिया गया है। इसका सही सुमेल जो है वह नीचे दिया है, सही आंसर इसका डी होगा, 3512। यहाँ ए का 3 होगा, बी का 5 और सी का 1 और डी का 2 होगा। तो इसका आंसर सही डी होगा। अगला प्रश्न है, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? तो USA के संविधान से हमने
मूल अधिकारों की संकल्पना को ग्रहण किया है यूएसए के संविधान से। फिर अगला प्रश्न, ब्रिटिश निम्नलिखित में से ब्रिटिश संविधान की किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? ब्रिटिश संविधान की किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? संसदीय पद्धति की सरकार, विधि का शासन और विधि निर्माण प्रक्रिया। तो उपरोक्त सभी ब्रिटिश के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया। संसदीय पद्धति की सरकार भी और विधि का शासन, विधि का निर्माण, ये चारों उपरोक्त सभी लिया गया है। अगला प्रश्न है, आइए देखते हैं, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो अस्पृश्यता का अनुच्छेद 17वें अनुच्छेद के द्वारा, अंत 17वें अनुच्छेद के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है किसे? केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक भाषाई एवं निर्जातीय अल्पसंख्यकों को। तो भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है। निम्नांकित में से कौन राज्य सूची में नहीं है? कृषि, जेल, सिंचाई और सुरक्षा। तो सुरक्षा राज्य सूची का विषय नहीं है। कृषि, जेल और सिंचाई राज्य सूची का है और सुरक्षा राज्य सूची का विषय नहीं है। मौलिक अधिकार को प्रवृत्त कराने के लिए निम्नलिखित रीटों में से कौन सी रीट जारी की जा सकती है? मौलिक अधिकार की प्रवृत्ति के में कौन सी रीट जारी की जा सकती है? तो वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण लेख। तो परमादेश मौलिक अधिकार की प्रवृत्ति कराने के लिए जिन रीटों को जारी किया जाता है वह है परमादेश। अगला प्रश्न, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत स्वतंत्र सुनिश्चित करता है? परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, वारंटी, इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता निश्चित करता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है जिलाधिकारी द्वारा, राज्य चुनाव आयोग द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। यह अभी यूपी टीजीटी में पिछले बार ही पूछा था। ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का निरूपण निम्न स्थान के लिए किया जाता है। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का निरूपण किया जाता है सामाजिक लोकतंत्र, गांधीवादी लोकतंत्र, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र। इसका आंसर होगा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र। दोस्तों, इसी के साथ यह आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।